ब्रेकिंग, कानपुर नगर निगम की लापरवाही से गौ मास पन की गौशाला से कूड़े में गाय फेंकी जा रही है। बजरंग दल के कार्यकर्ता को सूचना मिलने पर गोविंद नगर जोन 5 को बजरंग दल के कार्यकर्ता ने घेराव किया गया है। दीपक कुमार की खास रिपोर्ट। मैं जाऊंगा इधर, मेरे मोबाइल से बात आएंगे। ये देखिए, मैं अपने मीडिया पत्रकार बंदी से चाहूंगा कि इसको पहले हमारे आज सुबह का अपडेट है, नगर निगम कानपुर शहर, जैसा कि पूरे शहर को जानकारी है, हम लोगों के द्वारा जो भी सूचना दी जाती है मृत गौवंश की, उसको उठा करके उसके निस्तारण की व्यवस्था का जिम्मा नगर निगम ले रखा है। और गौवंश के मामले में आज जानकारी हम लोगों को मिली कि यहाँ से जो गौवंश जाता है वहाँ पर उसको निस्तारण का जो तरीका है वो बहुत ही गलत है और हम लोगों को इस समाज को स्वीकार नहीं है। अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो देखेंगे कि जो यहाँ से मृत जानवर जाते हैं, गौवंश जाते हैं, वो वहीं पर फेंक दिए जाते हैं। यहाँ तक कि नगर निगम इस बात की भी चिंता नहीं करता वो उनकी वजह क्या है मौत की, वो भूख के कारण मर गए कि जहर के कारण मर गए कि किस इलाज के कारण मर गए। दूसरी चीज़, उनको इस प्रकार से इकट्ठा किया जा रहा है जैसे कि मतलब मृत जानवरों को रोड पर या पार्क में रखना एक उचित व्यवस्था हो। कोर्ट का भी आदेश है कि मृत जानवरों को, बड़े जानवरों को, गौवंशों को आप रोड पर मैदान पर नहीं रख सकते, उससे वायु दुर्घटना का खतरा है। कोर्ट के सख्त आदेश के बाद भी नगर निगम इस प्रकार की लापरवाही कर रहा है जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। दूसरी, गाय हमारे हिंदुत्व की पहचान है, गाय, गंगा, गीता, धरती माँ, ये सब हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर है। इनको मैं लावारिस और अनाथ नहीं समाज की, क्योंकि हमारा जो समाज है अगर ये चीज़ें ऊपर जाएंगी तो हमारे समाज और हमारे धर्म की जो है उसमें मतलब लोगों के एक हिस्से बनेगा कहने का। मैं कहना ये चाहता हूँ कि नगर निगम के जो भी अफसर हैं, जिम्मेदार, ये निलंबित हों, इससे कम कार्रवाई नहीं चाहते हैं। और व्यवस्था बिल्कुल हमारे नगर निगम के पास किसी प्रकार की मशीनरी की कमी नहीं है, केवल घोर लापरवाही है, अधिकारी निलंबित हों। और जो व्यवस्था हम लोगों के साथ बैठ के तय की थी अधिकारियों ने कि जैसे ही गौवंश जाएगा वहाँ पर गड्ढा होगा और वहाँ पर गौवंश को गाड़ करके उसका भूमि विसर्जन होगा, इस काम को करना ही प्राथमिकता में रखना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग और भी ज़्यादा इससे ज़्यादा आक्रोशित होंगे और अगर जरूरत पड़ी तो आंदोलन का रास्ता भी हम लोग तय करेंगे।